नमस्कार। विधि विधान से मैं पंडित रामकिशोर शर्मा आज आप लोगों को एक तीन चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूं। पहला तो जिसको लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी कमल विष्णु कमल के नाम से जानते हैं, दूसरा शंख जो कि आजकल हर घर में लगभग मिलता है, तीसरा जो गौमूत्र ये अपना देसी सैनिटाइजर का काम करता है। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मी कमल विष्णु कमल के बारे में बता रहे हैं, ये अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्लांट है। इसको जिस प्रकार अपन मनी प्लांट रखते हैं ना घर में, इसी प्रकार इसको भी घर में रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। ठीक इसी प्रकार ये जो शंख है जिसको अपन बजाते हैं, वह एक शंख और होता है दक्षिणावर्ती शंख, उसमें भी दो प्रकार, एक बजने वाला एक बगैर बजने वाला। इनमें भगवान के द्वारा प्रदत्त सकारात्मक ऊर्जाएं दी गई हैं, गॉड गिफ्ट है ये। तो ये जो शंख है दक्षिणावर्ती शंख, इसको भी घर में रखना बहुत जरूरी रहता है। इससे भी अपने को सकारात्मकता ही मिलती है। बुरा प्रभाव घर में, बुरी हवाओं का प्रभाव जो है वो सब इनसे दूर होता है और ये अब घर परिवार में लाभकारी हैं। इसी प्रकार आज के समय में जो चल रहा है सैनिटाइजर का काम, ये अपना देसी गौमूत्र जो है देसी सैनिटाइजर है, इससे किसी भी प्रकार के वायरस खत्म हो जाते हैं। तो ये सब अपने घर परिवार में रहना चाहिए। हो गई है ये, उसको खोलते हैं उस बाधा को, ये निश्चित है। अतः आज के समय में अपने घरों में ये पौधा होना जरूरी है। इसी प्रकार शंख भी कई प्रकार के होते हैं। साधारण शंख जो है अपन घरों में हर जगह मिल जाएगा बजने वाला, लेकिन एक दक्षिणावर्ती शंख ये निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति में पूर्ण रूप से सहायक होता है और इसका मिलना भी दुर्लभ है, लेकिन भाग से यदि मिल जाए तो क्या बात, वो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति में सहायक बनेगा। आप प्रयास करिए, नकली लोगों के या नकली सामान के उसमें आप ना उलझें। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको खोलते हैं उस बाधा को, ये निश्चित है। अतः आज के समय में अपने घरों में ये पौधा होना जरूरी है। इसी प्रकार शंख भी कई प्रकार के होते हैं। साधारण शंख जो है अपन घरों में हर जगह मिल जाएगा बजने वाला, लेकिन एक दक्षिणावर्ती शंख ये निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति में पूर्ण रूप से सहायक होता है और इसका मिलना भी दुर्लभ है, लेकिन भाग से यदि मिल जाए तो क्या बात, वो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति में सहायक बनेगा। आप प्रयास करिए, नकली लोगों के या नकली सामान के उसमें आप ना उलझें। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप